तो अफसोस पूरे पेटलाट में कहीं पर भी वीट की भीड़ नहीं मिले। बहुत सारी जगह पे घूमा मगर किसी भी जगह पे वीट की भीड़ मीन्स वीट का जो पिज्ज़ा बन होता है वो नहीं मिला। और साथ में मैं गुड मॉर्निंग कैम्स और स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। तो इतना सारा सनलाइट आ रहा है ना, आँखें भी निकल रही है अभी। तो अभी सुबह सुबह बाहर का वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से मैं अभी यहाँ बैठा हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर नहाने जा रहा हूँ। थोड़े थोड़े क्लाउडी वेदर आ गए हैं और अच्छा लग रहा है। होप कि बारिश हो, बिकॉज तो पिछले 3 दिन से बहुत ही गर्मी लग रही है। तो पिछले कितने टाइम से ब्लॉग की क्वालिटी थोड़ी बिगड़ गई थी, आई डोंट नो व्हाई। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा जो एडिटिंग का पूरा काम जानता है, तो उसने मुझे पूछा कि एक्सपोर्ट के टाइम पे कितनी क्लियरिटी मीन्स क्वालिटी रखते हैं। तो मैंने कहा कि 4K और फ्रेम रेट 30 रखता हूँ, मगर उसके साथ एक और पॉइंट भी होता है, कितने GB का व्लॉग बनेगा, कितने MB का व्लॉग बनेगा वो डिसाइड करता है बिट रेट। तो वो मैं सबसे लो रखता था बिकॉज स्टोरेज की प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी, तो इसकी वजह से मैंने 2 GB का व्लॉग 200 MB में स्टोर कर दिया था। इसकी वजह से वो क्वालिटी थोड़ी बिगड़ गई थी, मीन्स थोड़ी नहीं बहुत सारी बिगड़ गई थी। तो पिछले व्लॉग्स आप लोगों ने थोड़ा नोटिस किया होगा कि व्लॉग की क्वालिटी अभी अच्छी हो गई है। यहाँ पर जो सभी बैकग्राउंड में वो ब्लरी सा हो जाता था, वो बिटरेट की वजह से मैं बिटरेट बहुत ही लो रखता था, तो अभी से व्लॉग अच्छी क्वालिटी में आएगा। तो आजकल ऊपर की चेस्ट बढ़ गई है ना, तो ये बटन भी देखो बाहर आ रहा है, बंद भी नहीं हो रहा, और बॉडी भी अच्छी लग रही है अभी। वैसे तो लीन बॉडी है मेरी। वैसे आज अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, बिकॉज इंटरनेट कल रात से नहीं आ रहा, तो अंदर TV में खैर देखूँगा ही क्या। तो अभी यहाँ बाहर बैठे बैठे अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूँगा और बाहर का नज़ारा देखूँगा। तो जस्ट अभी क्लास में से आया हूँ, गीला भी हो गया, और पिज्ज़ा जो आज बनने वाला है शाम को, मैंने अभी बताया नहीं सुबह, तो आज पिज्ज़ा बनने वाला है, वैसे मैदे का है। एंड शाम को मैं जिम जाऊंगा, तब वीट की ब्रेड के बन लेकर आऊंगा। और आते आते यहीं सामने ही था और बारिश गिर गई, तो थोड़ा सा गीला हुआ हूँ, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पूरा बैग गीला हो गया, शेजवान चटनी, मोज़रेला चीज़, एक हेयर मैं नहीं खाऊँगा, सॉस, पिज़्ज़ा सॉस। तो अभी जस्ट एक काम से LIC में जा रहा हूँ, और दोपहर के बजे है 3। थोड़ा काम कर रहा था, लैपटॉप में थोड़ा हैंग होने लगा, इसकी वजह से अभी बाहर आ गया हूँ। तो फटाफट LIC में जाके आता हूँ, और तब तक ये नेट कनेक्शन यहाँ पे वायर कट गया था यहाँ सामने, वो ठीक हो रहा है, तो आने के साथ इंटरनेट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट जाके आता हूँ। तो फाइनली सब काम ख़त्म हो गया सिर्फ 15 मिनट में। तो अभी मैं 3:30 बजे सो गया था, अभी टाइम देखो 4:10 हो गया, तो फटाफट नीचे जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, प्री वर्कआउट पीता हूँ, एक केला खाता हूँ, और जिम के लिए निकलता हूँ। तो अभी मैं जिम से आते आते कह रहा था कि बाइसेप का साइज 1/2 इंच बढ़ गया है, और चेस्ट का भी 1 इंच थोड़ा सा साइज बढ़ गया है। तो अभी प्रोटीन की असर धीरे धीरे हो रही है और रिफ्लेक्शन देख रहा है, तब तक मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये साइड सब्सक्राइब बटन है लाल वाला, तो दबा देना और वाइट हो जाएगा,
और इस तरफ लाइक का बटन है, वो भी नहीं दबाया, तो फटाफट से लाइक भी दबा देना। तो अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज मैं सुबह जो पिज़्ज़ा बन लाया था वो सिर्फ मैदे का था, मेरे लिए नहीं लाया, तो वो व्हीट ब्रेड का जो पिज़्ज़ा का बन आता है वो ढूंढने के लिए जाऊंगा। तो अफसोस पूरे पेटलाट में कहीं पर भी व्हीट की ब्रेड नहीं मिले, बहुत सारी जगह पे घूमा मगर किसी भी जगह पे व्हीट की ब्रेड मीन्स व्हीट का जो पिज़्ज़ा बन होता है वो नहीं मिला। और साथ में मैं अमेरिकन मक्के लेकर आया हूँ जो पिज़्ज़ा में डालने के लिए। सभी सेटअप रेडी, यहाँ पे सभी जगह पे पिज़्ज़ा बनेगा एक एक करके। और तो हमारे पास है बड़ा पिज़्ज़ा, ये बनाएंगे पहले, उसके बाद छोटे वाला पिज़्ज़ा। और ये माइक्रोवेव नहीं है, ये ओवन है स्पेशल पिज़्ज़ा बनाने के लिए। फाइनली सभी चीज़ें रेडी, सॉस, शेज़वान चटनी, पिज़्ज़ा मसाला सॉस, टॉपिंग्स एंड मसाला। चलो तीनों पिज़्ज़ा कम्प्लीटली रेडी और बहुत ही कलरफुल दिख रहा है कैमरा में। अब ये भी बहुत वापसी जाना, क्रिस्पी क्रिस्पी जा रहा है। दूसरा पिज्ज़ा भी रेडी, अंदर से बहुत ही गर्म गर्म हवा आ रही है। तो बस गाइस ये वाला वीडियो बस यहीं तक करते हैं, बिकॉज जल्दी से पानी पीता हूँ कुछ ज़्यादा और फिर सो जाता हूँ, बिकॉज ये मैदे वाला फूड खा के पेट की बैंड बजने वाली है कल, मुझे श्योर पता है। आज की वाली वीडियो में बस इतने रखते हैं, मिलते हैं होपफुली अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्टाइलिश। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो